Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to another lecture of this series, which is mainly about electrostatics. Dear viewers, in today's class, we have discussed two most important concepts. One is the electric field due to isolated point charge, and another one is the electric lines of forces. Dear viewers, some previously electric field ke baare mein discuss kar chuke hain ki electric field ek aise space ya region ka naam hota hai जिस पर एक चार्ज किसी दूसरी चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगी। उसकी फंडामेंटल इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। जो एफ होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ई इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा था, और क्यू नॉट को हमने कहा था टेस्ट चार्ज। जब हम किसी भी फील्ड को टेस्ट करने यूज करते हैं तो हम टेस्ट चार्ज सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सो लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। डियर व्यूअर्स, आइसोलेटेड वर्ड की मीनिंग होती है अकेली, सिंगल, यानी एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके के साथ फाइंड कर सकते हैं। वंस हमारे पास एक सिंगल चार्ज होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमने कहा लेट सपोज हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, उसके अराउंड कोई ना कोई स्पेस होगा, उस स्पेस को हमने कहा था उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, तो उस मैग्नीट्यूड को हमने कैपिटल क्यू के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे इसकी फील्ड के बारे में पता करना है तो मुझे इसके करीब एक चार्ज लेके आ जानी पड़ेगी एट दिस पॉइंट, पॉइंट पी। पॉइंट पी पर एक चार्ज लेके आ रहे हैं, उस पॉइंट पी पर चार्ज का हम नाम दे देते हैं क्यू नॉट। तो हमें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है, ठीक है। अब अट्रैक्शन या रिपल्शन वो डिपेंड करेगा उनकी साइन पर। अगर मैं क्यू नॉट को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ तो रिपेल, अगर क्यू नॉट को नेगेटिव कंसिडर करेंगे तो हम अट्रैक्शन होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम दोनों पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में लेते हैं। तो हमें पता है कि दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा, और अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के हिसाब से अगर मुझे इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिटरमाइन करना हो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ की इक्वेशन आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर चार्जेस के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, वहां पर हमने क्यू वन और क्यू टू कंसिडर किया था, यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कैपिटल क्यू एंड क्यू नॉट। तो आप लिखें कि एफ इज इक्वल टू, इफ द मीडियम इज फ्री स्पेस, अगर इस फ्री स्पेस मीडियम लेंगे तो के की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1/4πε0। क्यू वन की जगह पर आप कैपिटल क्यू पुट कर दें, क्यू टू की जगह पर क्यू नॉट पुट कर दें, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड क्यू नॉट। कैपिटल क्यू और क्यू नॉट के दरमियान में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की इक्वेशन है। रिपल्शन क्यों, क्योंकि ये दोनों हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। अगर अपोजिट चार्ज लेते तब अट्रैक्टिव होता, और अट्रैक्टिव का मैग्नीट्यूड भी यही होता, किसके बराबर, 1/4πε0 कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएटेड बाय दैट प्लस क्यू। इस प्लस क्यू ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है उसकी इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी इक्वेशन सिंपल है जो मैंने हमने आपको बताई थी, ई इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्यू नॉट के साथ डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी। फोर्स की जगह पर इक्वेशन लिखें जो हमने ये प्रूफ की थी, तो फोर्स की जगह पर हम लिखेंगे 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और सारी इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें क्यू नॉट के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर फोर्स को डिवाइड कर रहा है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट और क्यू नॉट का टर्म कैंसिल हो जाएगा, बाकी इक्वेशन क्या बचेगी, 1/4πε0 कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। This one is the equation which is used for isolated point charge. अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज की बात की जाए तो एक चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, 1/4πε0 कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, 1/4πε0 की जगह पर आप के भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर भी पुट कर सकता हूँ। सो दिस वन इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। एक अकेली चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाएगी उसकी इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, के क्यू डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर. सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जो हमने कल प्रीवियस क्लास में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस की थी, आज हमने उसी पॉइंट्स में से ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लिए जो न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर यूज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह. ओके डियर व्यूअर्स, बट जो मेन टॉपिक है हमारा आज का, वो आज का जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हमारे पास क्या होते हैं? सो आई हैव टू क्लियर दिस वन. मैं इस बोर्ड को क्लियर करना चाहूंगा. एक न्यू टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक का हमारे पास नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, या इसको जस्ट हम लाइन्स ऑफ फोर्सेस का नाम भी देते हैं. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के बारे में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको इजी करके समझेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है. डियर व्यूअर्स, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं. ठीक है, तीन हमारे पास क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिस फील्ड को हम देख नहीं सकते, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इनविजिबल फील्ड. अब एक ऐसी फील्ड जिसको हम देख ना सकें, तो उसकी प्रेडिक्शन हम किस तरीके के साथ कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल फील्ड है, और इस इनविजिबल फील्ड को हम किस तरीके के साथ समझेंगे, आज वही फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है आज के क्लास में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए तीन मेजर सपोजिशन ली गई. वो ये ली गई कि लेट सपोज अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं सर्किल रिप्रेजेंटेशन. यानी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक आप सर्किल बना दें. ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन सी चीजें क्लियर हो रही हैं? यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद है, ये तो हमें पता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है, वो हमें नहीं पता चल रहा. ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड के बारे में हमें पता नहीं चल रहा. और लास्ट वन होता है हमारे पास डायरेक्शन, कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी है, देन व्हाट वुड बी इट्स डायरेक्शन, वो भी हमें पता नहीं चला. तो ये फर्स्ट जो हमने रिप्रेजेंटेशन बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए, ये हमारे लिए इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हुई. फिर दूसरी रिप्रेजेंटेशन पर आते हैं, और दूसरी रिप्रेजेंटेशन को नाम दिया जाता है डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी रिप्रेजेंटेशन बनाई गई डियर व्यूवर्स? डॉट रिप्रेजेंटेशन. तो ये छोटे से डॉट्स बनाए गए पॉजिटिव चार्ज के करीब. डॉट रिप्रेजेंटेशन से कौन सी चीजें क्लियर होती हैं? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस क्लियर होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्लियर होता है. मैग्नीट्यूड क्यों क्लियर होता है? हम कहते हैं कि भाई अगर किसी भी चार्ज को अगर एक्चुअल चार्ज के करीब लेके आएंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, अगर दूर लेके जाएंगे तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, लेकिन यहाँ से अगेन डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ. हमें नहीं पता कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डाउन है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमें नहीं पता. लेकिन लास्ट वन हमारे पास होता है फील्ड लाइन्स, जिसे हम कहते हैं. तो हमें कहा गया पॉजिटिव चार्ज है, उसकी लाइन्स ऐसे आउटवर्ड बाहर निकले. ये आउटवर्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ऐसे बाहर निकलेंगी. इन केसेस में ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज बाहर निकलेंगी ये इस तरीके के साथ. अब यहाँ से इसको फील्ड लाइन मेथड कहा जाता है. इसमें से हमें इसकी प्रेजेंस का भी पता चला कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. उसके बाद हमें इसके मैग्नीट्यूड का भी पता चला, क्योंकि मैग्नीट्यूड का कैसे पता चलेगा? हम कहेंगे भाई किसी भी चार्ज से अगर ज्यादा लाइन्स पास हो तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी. अगर कम लाइन्स पास होंगे तो वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी. एंड लास्ट वन हमें इसके डायरेक्शन का भी पता चल गया. डायरेक्शन का पता क्या चला? कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो उसकी फील्ड आउटवर्ड बनेगी, अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो उसकी फील्ड इनवर्ड बन रहेगी. यानी कि ये जो फील्ड लाइन्स वाला कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि बनिस्बत हमने तीनों को कंपेयर किया तो तीनों में से कोई भी एक चीज जो है ना वो कंप्लीट नहीं थी. लेकिन जो फील्ड लाइन्स का कॉन्सेप्ट होता है, वो फील्ड लाइन्स हमारे पास क्या बताता है? वो मैग्नीट्यूड भी बताता है, प्रेजेंस भी बताता है, एंड डायरेक्शन भी बता सकता है इस केस में. सो दिस वन इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस. ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास. लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्यों बनाते हैं? टू डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को देखने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को देखने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी देखने के लिए हम यूज करते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन के थ्रू हम मूव करते हैं. सो लेट मी शेयर स्क्रीन टू यू. मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूँ, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज की जो है हम रिप्रेजेंट करवाएंगे उसकी डेफिनेशन की. व्हाट वुड बी
द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन हमारे पास क्या बन सकती है. सो लेट मी शेयर स्क्रीन टू यू, देन वी हैव टू डिस्कस मोर ऑन दिस टॉपिक. इसी सेम टॉपिक को हम ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर. ओके, सो लेट्स आई जस्ट वाना शो हेयर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ओके, सो डियर व्यूअर्स, हेयर इज द डेफिनेशन दैट इज राइट डाउन हियर. यहाँ पर डेफिनेशन इसकी राइट डाउन है, मैं इसको अंडरलाइन करता जा रहा हूँ और इस चीज को समझते भी जा रहे हैं. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हमें क्या कहा गया. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हमें कहा गया इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी रियल में ये चीज नहीं होती. तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हमारे पास क्या है. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हमारे पास एक जो है इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. लाइंस ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास. ठीक है, तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड की. उसके बाद इसका काम क्या होता है, ये एक ऐसा मैप होता है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस प्लेसेस. ये एक ऐसा नक्शा होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है. दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए कि अगर किसी चार्ज से ज्यादा लाइन्स पास हो रही है तो फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, और अगर वहां पर अमाउंट हम कम रखेंगे लाइन्स ऑफ फोर्सेज का तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि इसका अमाउंट इस केस में ज्यादा होगा. एंड द लास्ट वन ये वो ये होगा कि हम यहाँ पर डायरेक्शन भी डिटरमाइन करवा लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से. डायरेक्शन का वही सेम कॉन्सेप्ट होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज से होती है वो लाइन्स बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ट बनती है. तो डायरेक्शन का पता भी चल गया एंड स्ट्रेंथ का भी पता चलता है एट वेरियस प्लेसेस. मुख्तलिफ जगहों पर हमें ये चीज रिप्रेजेंट करवानी आती है. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी अगर आप एनिमेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके के साथ बनेगी, लुक एट दिस एनिमेशन. इस एनिमेशन को आप एक मरतबा देख लें. इस एनिमेशन में कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज, ये कैपिटल हमने पॉजिटिव चार्ज बना दिए, इस पॉजिटिव चार्ज के करीब में दूसरी पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज के करीब अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो हमें एक बात तो क्लियर है कि वो रिपल्शन होनी है, और रिपल्शन का डायरेक्शन कहाँ पर बनेगा, आउटवर्ड बनेगा. तो इसी तरीके के साथ अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो आप फोर्स का डायरेक्शन देख लें, वो कहाँ पर बन रहा है, आउटवर्ड की तरफ बन रहा है. इसी तरीके के साथ अगर हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेते, ये जो पॉजिटिव है इसको नेगेटिव ले लेते तो वो इनवर्ड अंदर की तरफ आ जाते, यानी हमें डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर मिल रही है. पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि ब्लू लाइन से उसको फोर्स को डिटरमाइन किया गया है और वो फोर्स कहाँ जा रहा है, वो फोर्स बाहर की तरफ निकल रहा है इस केस में. सो आई होप दैट यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली अबाउट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज. ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन सम मेजर एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अबाउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की इम्पॉर्टेंट हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं. So let me erase this one and now discussing about the properties of electric lines of forces. Electric lines of forces ki hum properties ko discuss kar sakte hain. Dear viewers, electric lines of forces mein jo sabse pehli electric lines of forces mein jo sabse pehli properties aati hai. Acha, electric lines of forces ka concept Michael Faraday ne diya tha. Theek hai, to jo pehli hamare paas electric lines of forces ki जो प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि फील्ड लाइंस नेवर एंड. जो फील्ड लाइंस होती है ना ड्यूर वेवर्स, वो कभी भी खत्म नहीं होती. फील्ड लाइंस नेवर एंड. अब इस चीज को मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी समझा चुका था. मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होती है. हाँ, कम ज्यादा हो सकती है, वो लाइंस ऑफ फोर्सेस पर डिपेंडेंट है. अगर फील्ड जो है हमारे पास वो फील्ड इनफाइनाइट तक जा रही है तो ऑब्वियसली जो फील्ड लाइंस होंगी वो भी तो इनफाइनाइट तक जाएंगी ना. तो सिंपली आप कहेंगे कि फील्ड लाइंस नेवर एंड्स. जो फील्ड लाइंस होंगी वो कभी भी एंड नहीं हो सकती. उसके बाद सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो ये कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. जो फील्ड लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. अब फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दो डायरेक्शन नहीं बन सकते. कैसे, अगर मैं कहूं कि मुझे एक ये लाइन ऑफ फोर्स मैंने बनाया और दूसरी लाइन ऑफ फोर्स अगर मैं इंटरसेक्शन में बना देता ऐसे, तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, यानी इस पॉइंट की बात की जाए पॉइंट पी की और पॉइंट पी पर मुझे फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर दो डायरेक्शन बन सकते हैं, या तो फर्स्ट लाइन की तरफ या तो सेकेंड लाइन की तरफ. यानी ऐसे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो ये फर्स्ट लाइन की तरफ बना, ये सेकेंड लाइन की तरफ बना. तो ये जो आपको टेंजेंट नजर आ रहे हैं ये टेंजेंट क्या बताते हैं, ये टेंजेंट बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन.
और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से मिल रहा है, फील्ड की लाइन से मिल रहा है। और याद रखिएगा किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, तभी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दैट्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप इसको ऐसे भी, अच्छा इसको मैं वही सेम टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस कर सकता हूँ। इसको हम कह सकते हैं फील्ड लाइन का जो टेंजेंट होगा वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे सकता है एट दैट पॉइंट। तो इसको हम कहेंगे कि टेंजेंट ऑफ फील्ड लाइन, टेंजेंट ऑफ फील्ड लाइन, जो फील्ड लाइन का टेंजेंट होगा, टेंजेंट ऑफ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें डायरेक्शन भी देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इस तरीके के साथ भी हम समझ सकते हैं। याद रखिएगा जो हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट लाइन ड्रॉ की बुनियाद पर हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं इन केसेस में। उसके बाद अच्छा इसकी फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी जो है, अच्छा इसको आई होप दैट यू गॉट दिस क्लियरली और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो। आई हैव टू जस्ट क्लियर दिस वन और आते हैं हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पर। तो ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस इट्स फोर्थ प्रॉपर्टी। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं और इसकी चौथी प्रॉपर्टी हमें बताई गई, वो ये बताई गई कि लाइंस अगर एक दूसरे के साथ क्लोज हों, इफ लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर, अगर लाइंस एक दूसरे के साथ क्लोजर होंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो स्ट्रांग बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों स्ट्रांग बनेगी, क्योंकि किसी भी एरिया से जो लाइंस पास होंगी वो ज्यादा होंगी, जब करीब होंगी तो ज्यादा पास होती हैं, ठीक है। और इसी तरीके के साथ इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से फार अवे हों, लाइंस अगर एक दूसरे से क्या हो, फार अवे हों, लाइंस अगर एक दूसरे से फार अवे होंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वीक होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी बॉडी से कम लाइंस ऑफ फोर्सेज पास हो सकती हैं, ये चीज भी लाजमी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी बन सकती है, यानी स्ट्रांग और वीक भी हो सकती है। स्ट्रांग कब बनेगी, जब लाइंस ज्यादा पास हो, और वीक कब बनेगी, जब लाइंस एक दूसरे से दूर हो, ठीक है। अच्छा अगेन इसी चीज को अगर मैं थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाना चाहूँ तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं कहूँ कि हमारे पास किसी भी पॉइंट चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं और पॉजिटिव से ये फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है ऐसे। हमने कहा कि आप एक ऑब्जेक्ट लें, उस ऑब्जेक्ट को रखें यहाँ पर, हमने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, तो आप देख सकते हैं इसको मैं रेड लाइन से शो कर देता हूँ। तो रेड लाइन से मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें से एक ये, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी चार लाइंस पास हो रही है। अब इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखा जाए यहाँ पर, तो अब आप देख लें अब इससे तीन लाइंस पास हो रही हैं, यानी अगर करीब है तो चार लाइंस पास हो रही है, अगर दूर जा रहे हैं तो तीन लाइंस पास हो रही है। इट मीन्स वॉट, इट मीन्स के करीब लाने से फील्ड स्ट्रांग हो रही है और दूर जाने से फील्ड वीक बन रही है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लाइंस को क्लोज और फार अवे जो है ना टर्मिनेट करवाने का। उसके बाद इसकी बाकी दो प्रॉपर्टीज बचती हैं, वो लास्ट प्रॉपर्टीज हैं, और वो ये है हमारे पास कि जो फील्ड बनेगी या जो इलेक्ट्रिक लाइंस बनेगी वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, यानी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जो फील्ड लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं डियर व्यूवर्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं। अब पॉजिटिव चार्ज से क्यों ओरिजिनेट होती हैं, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज कंटेन्स हायर पोटेंशियल एज कम्पेयर टू नेगेटिव, जो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल होता है ना वो ज्यादा होता है, ठीक है। आपने बैटरी के सिंबल देखी होगी, जब बैटरी के सिंबल आपको पढ़ाते हैं तो बैटरी के सिंबल कुछ यूं बनाई जाती है, जो बड़ी लाइन होती है उसको पॉजिटिव कहा जाता है, छोटी लाइन होती है उसको नेगेटिव कहा जाता है। बड़ी को पॉजिटिव क्यों कहा जाता है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज हायर पोटेंशियल एज कम्पेयर टू द नेगेटिव, नेगेटिव का पोटेंशियल कम होता है। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की तो लाइन्स बाहर निकलेंगी, और अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो लाइन्स अंदर की तरफ आएंगी। सो दीज आर दिस वन इज द लास्ट property of electric field lines. तो ये छठी property मैं आपको बता रहा हूँ कि field lines जो होंगी, field lines are inward, field lines जो बनेंगी वो अंदर बनेंगी किस charge के लिए, for negative charge, negative charge के लिए अंदर बनेंगी और positive charge के लिए बाहर बनेंगी। So these are the fundamental properties of electric lines of forces. I hope that you got this concept clearly. इसको थोड़ा ग्राफिकली मैं आपको समझाता हूँ स्क्रीन शेयर करके,
अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमने कहा कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, लुक एट नाउ, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगी तो आप देख सकते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस का डायरेक्शन है वो कहाँ की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड बनेगी डियर व्यूअर्स वो आउटवर्ड बनेगी, बाहर के डायरेक्शन में। अब कोई ऑब्जेक्ट में करीब लेके जाऊं, उसी ऑब्जेक्ट को अगर बाहर लेके जाए तो करीब लाने से ज्यादा लाइन्स पास होंगी तो फील्ड स्ट्रांग होगी, और दूर जाने से कम लाइन्स पास होंगी तो फील्ड वीक बनेगी। ओके, एंड ऑल्सो मैं आपको एक और इसकी जो है विजुअलाइजेशन डिस्कस करवाऊँ अबाउट, वो ये होगी कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगी तो नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट कैसे हम डिस्कस करेंगे। सो लेट मी डिस्कस द नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज हम डिस्कस कर सकते थे तो नेगेटिव चार्ज को आप देखने के नेगेटिव चार्ज की जो लाइन है वो अंदर की तरफ आ रही है, यानी इसकी जो फील्ड बनेगी वो इनवर्ड बनेगी। इसकी फील्ड क्या बनेगी डियर व्यूवर्स, इनवर्ड बनेगी। और अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो उसकी जो फील्ड बनेगी वो आउटवर्ड बनेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस होता है। अच्छा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो तो उस चीज को हम कैसे समझेंगे, उसको ऐसे समझेंगे, वन इज कंसीडर टू बी पॉजिटिव चार्ज, अदर इज कंसीडर टू बी नेगेटिव चार्ज। तो इसका कॉन्सेप्ट हम कुछ यूं डिस्कस करते हैं जो आपके सामने बना पड़ा है। कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी और कहां पर जाएंगी, नेगेटिव की तरफ। तो ये सही सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऐसे। अब किसी भी एक पॉइंट पर मुझे फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, जैसे पॉइंट वन पर, तो हम क्या बना देंगे, एक टेंजेंट बना देंगे। पॉइंट टू पर चाहिए तो अगेन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर पॉइंट थ्री पर चाहिए तो हमेशा हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये फील्ड लाइन्स का कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरीके के साथ अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, तो उसका डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर। इफ वी हैव टू पॉजिटिव चार्जेस, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस होंगी तो उनके डायग्राम आपके सामने बने पड़े। इस पॉजिटिव चार्ज में भी जो लाइंस निकलेंगी वो बाहर निकलेंगी, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज से भी जो फील्ड लाइंस होंगी वो भी बाहर निकलेंगी। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, तो इनमें से एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है जहां पर फील्ड मौजूद नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहां पर लाइंस मौजूद नहीं है। अगर लाइंस मौजूद नहीं है तो फील्ड नहीं मौजूद होती। जिस पॉइंट पर फील्ड नहीं मौजूद होती उस पॉइंट को कहते हैं हम जीरो फील्ड लोकेशन। व्हाट वी कॉल दिस पॉइंट एज जीरो फील्ड लोकेशन। क्यों? क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव से बाहर निकलेंगे तो वो कहीं पर भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे समझ लें, जैसे हमने कहा हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस बाहर निकली, ऐसे यहाँ से भी बाहर निकली। अब आप देख लें ये फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया कि दो डायरेक्शन नहीं बन सकते, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये अगेन ऊपर की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ये पीछे की तरफ चला जाएगा। अब ये जो आपको स्पेस नजर आ रहा है ना, इस पर हमारे पास फील्ड की वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइन्स ही नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और जिस पॉइंट पर फील्ड जीरो होती है उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल दिस पॉइंट एज जीरो फील्ड लोकेशन। अब ये जीरो फील्ड लोकेशन क्या है, इसको मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप दैट यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। अल्लाह हाफिज़।